सिंहारा के एक गन्ने के खेत में मिले गुलदार के शावक फैली सनसनी। जनपद बिजनौर के सिंहारा में गुलदार के शावकों के मिलने से जहां क्षेत्र में सनसनी फैल गई तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। सिंहारा क्षेत्र के ग्राम सत्तानंगली के जंगलों में गुलदार के शावक मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने शावकों को कब्जे में लेकर आलाधिकारियों को सूचित किया। प्राप्त समाचार के अनुसार सत्तानंगली निवासी अशोक कुमार पुत्र मिचिंद अपने खेत पर मजदूरों से गन्ने की कटाई करा रहा था कि अचानक गुलदार के शावकों को गन्ने के खेत में देखकर हैरान हो गया। डर कर जैसे ही किसान व मजदूर भागे तो मादा गुलदार बच्चों को छोड़ भाग खड़ी हुई। किसान ने ग्राम प्रधान को सूचित किया और ग्राम प्रधान ने वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन रेंजर त्यागी व वन रक्षक अनिल कुमार ने अन्य वनकर्मियों के साथ मौके का जायजा लिया और स्थिति को सुरक्षित पाकर शावकों के पास पहुंच गए। गुलदार के तीन शावक गन्ने के खेत में मिले, जिसके बाद रेंजर ने आला अधिकारियों को सूचना दे दी। वन विभाग की टीम अग्रिम आदेश तक मौके पर ही थी। वन रेंजर का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन शावकों को हाल में ही जन्म दिया हो। गुलदार की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने भी शावकों को देखा। आज न्यूज चैनल में समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें सलीम अहमद।